हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट। हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक फर्स्ट स्टेप का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, हमारे पास ये सीक्वेंस गिवन है। इस सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूफ करना है स्टूडेंट, एंड बॉन्डेड विलो प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। We have to sequence. हमारे पास sequence given है student, implies that Sn equal to 2n minus 7 upon में है 3n plus 2. Student, इस sequence को monotonic increasing prove करना है। और monotonic increasing का concept क्या होता है student? देखते हैं। यहाँ से होता है implies that Sn plus 1 greater than equal Sn. स्टूडेंट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसका पिछला वाला जो वीडियो है उसको जाकर के आप जरूर देखें। वहां पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस को अच्छे से समझाया गया है। फिर उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपका अच्छा से समझ में आने वाला है। देखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। स्टूडेंट यहां देखो, एस एन का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, बट हमें चाहिए एस एन प्लस वन का वैल्यू। और एस एन प्लस वन का वैल्यू कहां से निकालेंगे स्टूडेंट? गिवन सीक्वेंस में जहां पर एन है वहां पर एन प्लस वन पुट कर देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या मिलता है। एम्प्लाइज दैट टू, और एन के स्थान पर हम पुट करेंगे एन प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ सेवन अपॉन में हो जाएगा थ्री। एन के स्थान पर पुट करेंगे एन प्लस वन और प्लस ऑफ टू, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट टू एन माइनस ऑफ सेवन अपॉन में हो जाएगा थ्री एन प्लस ऑफ टू हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो टू एन प्लस ऑफ हो जाएगा टू माइनस ऑफ सेवन अपॉन में हो जाएगा थ्री एन, और प्लस अप हो जाएगा थ्री प्लस अप हो गया टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस सेवन अपॉन में हो जाएगा थ्री एन प्लस टू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां देखो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट टू एन माइनस अप फाइव हो जाएगा अपॉन में थ्री एन प्लस अप फाइव, ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट टू एन माइनस सेवन अपॉन में हो जाएगा थ्री एन प्लस टू। स्टूडेंट यहां हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो एम्प्लाइज दैट टू एन माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री एन प्लस टू का, ग्रेटर देन इक्वल यहां से होगा स्टूडेंट थ्री एन प्लस फाइव का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से टू एन माइनस सेवन के साथ में, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, देखो एम्प्लाइज दैट टू एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू एन का मल्टीप्लाई होगा थ्री एन प्लस टू के साथ, थ्री एन प्लस टू के साथ माइनस फाइव का मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट टू थ्री एन प्लस ऑफ टू के साथ, ग्रेटर देन इक्वल थ्री एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एन माइनस ऑफ सेवन के साथ, और यहां से देखो स्टूडेंट प्लस फाइव है तो प्लस फाइव का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एन माइनस सेवन के साथ। देखते स्टूडेंट क्या मिलेगा हमें, सिक्स एन का स्क्वायर प्लस ऑफ फोर एन, ये हो जाएगा हम लोग के पास फिफ्टीन एन, और माइनस ऑफ टेन ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट सिक्स एन का स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा हम लोग के पास ट्वेंटी वन एन हो जाएगा, प्लस ऑफ हो जाएगा टेन एन, और ये हो जाएगा थर्टी फाइव। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं एम्प्लाइज दैट सिक्स एन का स्क्वायर, स्टूडेंट ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हम लिख सकते हैं माइनस इलेवन एन माइनस ऑफ टेन ग्रेटर देन इक्वल, इसको देखते हैं स्टूडेंट सिक्स एन का स्क्वायर, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा हमें माइनस ऑफ इलेवन एन माइनस ऑफ थर्टी फाइव। स्टूडेंट हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, एम्प्लाइज दैट सिक्स एन स्क्वायर माइनस ऑफ इलेवन एन माइनस ऑफ टेन हो जाएगा माइनस सिक्स एन के स्क्वायर प्लस ऑफ इलेवन एन प्लस ऑफ थर्टी फाइव ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखना यह है, यहां से देखो सिक्स एन स्क्वायर प्लस में है माइनस में है कैंसिल, माइनस में है प्लस में है कैंसिल, और ये जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट आपस में क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर जाएगा। एम्प्लाइज दैट 25 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो गया स्टूडेंट, जीरो हो गया फॉर ऑल एंड बिलोंग टू क्या हो गया, एन हो गया। स्टूडेंट ये 25 जो है जीरो के इक्वल है और उससे बड़ा है, लार्जेस्ट है। स्टूडेंट हमको ये देखना है 25 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 25 ग्रेटर देन जीरो। आपको याद होगा स्टूडेंट पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखें, यदि इस कंडीशन पे आ जाता है सीक्वेंस तब के स्थिति में इसको समझ सकते हैं एस एन प्लस वन ग्रेटर एस एन, मतलब ये हो जाता है यहाँ पर ये वाला जो सीक्वेंस है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस।
कहलाएगा, राइट। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक एंकरेजिंग सेक्वेंस, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड नंबर के जो कंडीशन है वो कहता है स्टूडेंट, गिवन सेक्वेंस इज बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड बिलो प्रूव करना है। और बॉन्डेड बिलो का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखें। ये कॉन्सेप्ट होता है स्मॉल m लेस देन इक्वल sn, लेट यहां क्या करते हैं स्टूडेंट, m इक्वल टू माइनस वन ले लेते हैं, एम्प्लाइज दैट माइनस वन लेस देन इक्वल sn। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट माइनस वन लेस देन इक्वल sn का जो वैल्यू है वो क्या मिला है स्टूडेंट हमें, ये देखो यहां से मिला है 2n माइनस अब 7 अपॉन में मिला है 3n प्लस अप हो जाएगा 2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n प्लस 2 के साथ में, और लेस देन इक्वल हो जाएगा 2n माइनस अप 7, एम्प्लाइज दैट 3n हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 लेस देन इक्वल 2n माइनस अप 7 हो गया। स्टूडेंट मैं आपको यह बताना चाहता हूं, n वाले टर्म को एक साइड में और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड में लाने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो माइनस 2 प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास 7 लेस देन इक्वल 2n, ट्रांसफर होकर के हो जाएगा 3n हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट 5 लेस देन इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट 5n। इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल n, एम्प्लाइज दैट आपस में कैंसिल हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का n होगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हम माइनस n, बट यहां से ये देखना है ना माइनस 1 और प्लस 1, ये हो गया माइनस 1 और प्लस 1 मिला स्टूडेंट बाय द नेचुरल नंबर, फॉर ऑल n बिलोंग टू n हो गया स्टूडेंट। इस कंडीशन में क्या होता है, गिवन सीक्वेंस जो है बॉन्डेड होता है और बॉन्डेड बिलो होगा, और बिलो कहां पर होगा स्टूडेंट, लोअर लिमिट हो जाएगा हम लोग का माइनस वन हो जाएगा, दिस इज द लोअर राइट, और दिस इज द क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास अपर, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं सीक्वेंस इज बॉन्डेड बिलो, सीक्वेंस इज बॉन्डेड बिलो। तो इस टाइप से आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, इसको इरेज करते हैं देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हो गया क्वेश्चंस क्या करता है स्टूडेंट, सो दैट द सीक्वेंस sn n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी वेयर sn इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर n इज कन्वर्जेंस, इसको क्या करना है स्टूडेंट, कन्वर्जेंस प्रूव करना है स्टूडेंट। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैसे सॉल्यूशन करते हैं उसको देखते हैं। सॉल्यूशन वी हैव टू सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस गिवन है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट sn इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n रेस्ट टू द पावर n। स्टूडेंट आप लोग 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं राइट, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम। और ये क्या कहता है स्टूडेंट, 1 प्लस x रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस अप एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स का स्क्वायर प्लस अप हो जाएगा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब अप टू दिस स्टेप का एक्स अपॉन करेंगे स्टूडेंट। अब देखना है स्टूडेंट हमारा फार्मूला क्या कहता है, 1 प्लस एक्स है लेकिन हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या कहता है स्टूडेंट, 1 अपॉन n दिया हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। क्या करना है, जहां पर x है वहां पुट कर देना है 1 अपॉन n, बाकी क्लियरली है देखते स्टूडेंट। एम्प्लाइज दैट sn इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस n इनटू 1 अपॉन n प्लस आप पुट करते जाते हैं, देखो n और n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू 1 अपॉन n का स्क्वायर प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इनटू x क्यूब प्लस अब अपसोट, मतलब इसके स्थान पर क्या पुट करना है हमें,
वन अपान एन का क्यूब, राइट, ये हो गया, प्लस आप वन अपान एन रेस्ट टू द पावर एन, एन टाइम तक क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। स्टूडेंट अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो एस एन इक्वल टू वन प्लस एन इंटू वन अपान एन प्लस स्टूडेंट यहाँ पर क्या है देखो एन का स्क्वायर है, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एन का स्क्वायर हो जाएगा और बचा क्या वन माइनस वन अपान एन हो जाएगा, अपान में हो जाएगा फैक्टोरियल टू इंटू वन अपान एन का स्क्वायर प्लस अगेन देखते स्टूडेंट एन कॉमन ले लेते हैं, एन कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एन इंटू एन इंटू एन, तो एन का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा वन माइनस वन अपान एन और ये हो जाएगा वन माइनस टू अपान में एन होगा, अपान में हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री इंटू वन अपान एन का क्यूब हो जाएगा प्लस 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 वन अपान एन रेस टू द पावर एन, एन टाइम तक चला जाएगा स्टूडेंट, राइट। आप देखते हैं स्टूडेंट इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, एम्प्लाइज दैट एस एन इक्वल टू आपस में कैंसिल हो जाएगा वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल और प्लस ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट वन माइनस वन अपान एन अपान में फैक्टोरियल टू प्लस अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट ये वाला टर्म, तो मिला क्या हम लोग के पास वन माइनस वन अपान एन और वन माइनस टू अपान में एन अपान हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री और प्लस अब सुन क्या होते जाएगा स्टूडेंट एन टाइम तक ये एक्सपेंशन करते जाएगा। स्टूडेंट हमें ये देखना है लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन इक्वल टू लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटिव मिलेगा स्टूडेंट वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट वन माइनस वन अपान एन अपान में फैक्टोरियल टू प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट वन माइनस वन अपान एन और वन माइनस टू अपान में एन अपान फैक्टोरियल थ्री प्लस अब सोन एन टाइम तक जाएगा वन अपान एन रेस्ट टू द पावर एन, ये हो गया। स्टूडेंट हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा देखो लिमिट ऑफ हो जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से वन प्लस वन अपान फैक्टोरियल एन ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस आप वन माइनस जीरो अपान में फैक्टोरियल टू प्लस अप हो जाएगा वन माइनस जीरो और वन माइनस क्या हो जाएगा अगेन जीरो और ये फैक्टोरियल थ्री प्लस अब सोन स्टेप का पढ़ते जाएगा। स्टूडेंट इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा एम्प्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन इक्वल टू देखो स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं हम लोग वन प्लस वन अपान वन का फैक्टोरियल प्लस अब वन अपान टू का फैक्टोरियल प्लस अब वन अपान थ्री का फैक्टोरियल अब सोन पढ़ते जाएगा। स्टूडेंट अगेन इलेवेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट क्या करता है इसका जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वो हो जाता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन इक्वल टू हो जाता है ई इज द इरेशनल नंबर राइट और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट ई इज इरेशनल नंबर का लाएगा स्टूडेंट राइट और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है स्टूडेंट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एस एन इक्वल टू ई इसका जो वैल्यू है स्टूडेंट टू से थ्री के बीच में लाई करता है मतलब हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से टू इंटू सेवन वन एट इस टाइप का समथिंग इसका वैल्यू आएगा तब हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट जो एस एन जो सीक्वेंस है एस एन सीक्वेंस है वो कहाँ लाई करेगा टू और थ्री के बीच में लाई करेगा तो लाई करेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये तो बॉन्डेड होगा ही होगा और साथ ही क्या हो जाएगा कन्वर्जेंस भी होगा। देखो स्टूडेंट पहला कंडीशन क्या कहता है हम लोग के पास यहाँ से ये हमारा स्मॉल एम है और ये क्या हो जाएगा कैपिटल एम है तो बॉन्डेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट एम लेस देन इक्वल हो जाएगा हम लोग के पास एस एन लेस देन इक्वल कैपिटल एम हो जाएगा एम्प्लाइज दैट ये टू लेस देन इक्वल एस एन लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। अब इस सीक्वेंस कन्वर्ज कहाँ करेगा स्टूडेंट थ्री पे कन्वर्ज करेगा कहाँ पर कन्वर्ज करेगा थ्री पे कन्वर्ज करेगा गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बाय पॉइंट थ्री थ्री पर क्या करेगा स्टूडेंट कन्वर्ज करेगा ठीक है तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट गिवन सीक्वेंस इज द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस देखो यहाँ पर टू है टू से हमारा सीक्वेंस आगे बढ़ गया फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है थ्री पे जा रहा है तो गिवन सीक्वेंस इज ये फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस स्टूडेंट ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है साथ ही साथ क्या है कन्वर्जेंट है और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट बॉन्डेड होगा बॉन्डेड भी होगा ये सीक्वेंस ठीक है स्टूडेंट देखो आपको समझना कैसे यहाँ
टू और थ्री के बीच में सेक्वेंस क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। साथ ही साथ स्टूडेंट ये लोअर लिमिट है, ये क्या है अपर लिमिट है, तो अपर से क्या कर जाएगा कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट हो गया बाय द थ्री में। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, देखो टू से हम लोग कहा जा रहा है थ्री, तो टू और थ्री के बीच में बहुत सारा एलिमेंट्स है, तो इस पॉइंट से ये क्या कर जाए कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी कहलाएगा, बॉन्डेड सीक्वेंस कहलाएगा और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी कहलाएगा। इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, सो दैट सीक्वेंस एस एन एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी, वेयर एस एन इक्वल टू गिवन है स्टूडेंट एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन, ये सीक्वेंस गिवन है। और ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए स्टूडेंट, कन्वर्जेंट होना चाहिए या तो फिर डाइवर्जेंट, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव टू सीक्वेंस, हमारे पास गिवन सीक्वेंस है स्टूडेंट, सीक्वेंस है एस एन इक्वल टू एन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग टू क्या हो जाएगा एन। स्टूडेंट हम ये देखते हैं एन इक्वल टू वन टू थ्री पुट करते हैं तब की स्थिति में सीक्वेंस हमें किस टाइप का फाइंड आउट होता है। स्टूडेंट यहाँ पर देखो एस वन पुट कर दूंगा तो वन अपॉन में क्या हो जाएगा ये टू होगा, और यहाँ से हो जाएगा एस वन इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा। एस टू पुट कर दू तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर टू अपान में हो जाएगा यहाँ पर टू का स्क्वायर प्लस अप वन एम्प्लाइज दैट एस टू इक्वल टू हो जाएगा टू अपान में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये आ जाएगा फोर प्लस वन हो जाएगा, और एस टू इक्वल टू हो जाएगा टू अपान में फाइव, और इसको सिंप्लीफाई करें तो एस टू इक्वल टू हो जाएगा जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। अगेन हम देखते हैं स्टूडेंट एस थ्री पुट कर देते हैं, राइट एस थ्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर प्लस वन implies that S3 equal to हो जाएगा 3 अपान में हो जाएगा स्टूडेंट 9 प्लस अप 1, और S3 equal to हो जाएगा 3 अपान में हो जाएगा 10, यहां से लिख सकते हैं S3 equal to पॉइंट अप 3 हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए स्टूडेंट 4 लिखें तो S4 equal to हो जाएगा हम लोग के पास 4 अपान में आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस अप 1, और S4 equal to आ जाएगा स्टूडेंट 4 अपान में हो जाएगा ये 16 प्लस अप 1, और ये हो जाएगा S4 equal to 4 अपान में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास अगेन 17 आ जाएगा। तो समथिंग वो क्या होते जा रहा है डिक्रीज होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है स्टूडेंट डिक्रीज होते जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं सेट के फॉर्म में लिखे तो सेट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट एस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.5 एंड 0.4 एंड हो जाएगा 0.3, और ये अपसोन स्टेप का बढ़ते जाएगा। तो देखो स्टूडेंट स्ट्रिक्टली हो रहा है, राइट स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, और डिक्रीजिंग हो रहा है उस कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग सीरीज इज द ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस सीरीज कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट ये हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा ये डिक्रीजिंग सीरीज है, ठीक है स्टूडेंट क्या है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तब के स्थिति में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या कहता है हम लोग के पास एस एन प्लस वन लेस देन इक्वल क्या हो जाता है एस एन, लेकिन स्ट्रिक्टली हो रहा है स्टूडेंट इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एस एन प्लस वन लेस देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास एस एन। एस एन प्लस वन मतलब इस टर्म के बारे में बात कर रहा है, एस एन प्लस वन मतलब इस टर्म के बारे में बात कर रहा है, और ये टर्म क्या है स्टूडेंट देखो हमें मिला है सेकेंड वाला टर्म जो है ये मिल गया, देखो सेकेंड टर्म टू अपान में फाइव यहां से लिख सकते हैं टू अपान में फाइव, और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट माइनस एस एन लेस देन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट टू अपॉन फाइव माइनस इस ये वाला टर्म है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है स्टूडेंट वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू लेस देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास जीरो हो जाएगा। स्टूडेंट एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा टेन, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा फोर, ये इस साइड में मल्टीप्लाई करेगा तो फाइव लेस देन क्या हो जाएगा जीरो, ये मिल जाएगा माइनस वन अपॉन टेन लेस देन जीरो हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट माइनस वन लेस देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास जीरो हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। माइनस वन जो है जीरो से क्या है छोटा है स्मॉलेस्ट है,
तब के स्थिति में हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट, जो सेक्वेंस जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर कन्वर्जेंट कर रहा है, राइट, कन्वर्ज कर रहा है, डिक्रीजिंग सेक्वेंस है इसलिए क्या करेगा वो कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करेगा तो दिस सेक्वेंस इज द कन्वर्जेंस हो गया। साथ ही साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो साथ ही साथ इसके बीच में बॉन्डेड भी होगा, क्या हो जाएगा बॉन्डेड होगा। तो गिवन सेक्वेंस इज, गिवन सेक्वेंस इज मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सेक्वेंस, क्या हो जाएगा हम लोग के पास डिक्रीजिंग सेक्वेंस, एंड क्या आ रहेगा स्टूडेंट बॉन्डेड, एंड बॉन्डेड, ये इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।